हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आपके साथ आज मैं दो ऐसे शेयर शेयर करने वाला हूँ, दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट 50% डाउन है अपने हाई से। एंड ये स्टॉक्स लंबे समय में बड़ा पैसा बना के स्टॉक्स ने दिया है। एंड स्टॉक्स कुछ इस प्रकार है कि आप एक बार इनका चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा ये तो चाल ही एशियन शेयर्स की और ये खरीदने का मौका है। तो चलिए गाइस, एक एक करके दोनों स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड स्टॉक्स की ए टू जेड चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ए टू जेड चीज में मैं इंक्लूड करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीजें, एंड पीई भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज क्या करना है आपको, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है, ठीक है, एंड कोई क्वेरी किसी स्टॉक से लेकर तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड एक एक करके दोनों स्टॉक शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भाई बिरला कॉरपोरेशन, यानी कि एक बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी एंड स्टॉक। आप सभी ने इस स्टॉक की तेजी तो सबने देखी थी कि कैसे भागा था ये स्टॉक एंड अभी मंदी में चल रहा है, क्या ये खरीदने का मौका है, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। फंडामेंटल देखेंगे स्टॉक कैसा है। तो बिरला कॉरपोरेशन पहला स्टॉक है, स्टॉक का 52 वीक हाई 1650 रुपीस का है एंड अभी 882 रुपीस के लेवल्स पे मिल रहा है। देखिए, इस मार्केट की 20-22 करना, इनफैक्ट 20% भी निफ्टी करेक्ट नहीं हुई है, 15 से 17-18% करेक्ट हुई है एंड स्टॉक्स की इस कदर पिटाई हुई है ना कि मतलब दिल दहल गया है लोगों का। लेकिन यही वो स्टॉक्स हैं जब मार्केट चल रही थी तो डेली बेस पे जो 8% 5% भागे थे। मैं आपको बता दूं, स्टॉक अपने 52 वीक लो पे आ चुका है, 876 का 52 वीक लो है जो कि आज ही लगता हुआ दिखा है। स्टॉक में इंट्राडे गिरावट देखें तो लगभग 5% की, एंड कल भी ये स्टॉक करीब काफी अच्छा खासा टूटा था क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में पिटाई थी, आज भी फॉलो ऑन पिटाई होती दिखी है। लेकिन अब इसका मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं चार्ट एंड उसके बाद आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। देखिए, एक साल का चार्ट में लोअर एंड में दिखेगा, लेकिन अगर मैं पांच साल का चार्ट खोल के देखूं या दो साल का, तो दो साल पहले जाऊंगा स्टॉक में जून में तो 500 रुपए का शेयर हुआ करता था, जहां से भागते भागते वन साइडेड तेजी दिखाई स्टॉक ने एंड 200% ऊपर हो गया एंड अभी करेक्शन के बाद आपको 63% की तेजी अभी भी दिख रही है इस स्टॉक में। पांच साल का चार्ट देखूं तो करीब ऐसा कारनामा ये पहले भी कर चुका है, 2017 में स्टॉक ने 1300 रुपए की हाई लगाए एंड गिरते गिरते कोविड में स्टॉक ने 400 रुपए के लो लगाए हैं एंड फिर भागा ये स्टॉक एंड अराउंड इस बार 1700 रुपए के हाई लगे हैं 1650 एंड अभी 850 पे ट्रेड रहा है। अब बड़ा सिनेरियो जहां सब कुछ साफ हो जाएगा, 10 साल का चार्ट, इनफैक्ट मैं इसका लाइफ टाइम का चार्ट खोल दूं, 2001 से लगभग ये स्टॉक मार्केट में, 2002 से 1 जुलाई से स्टॉक में वन साइडेड तेजी चली। सबसे पहली तेजी की बात कर रहा हूं जो 400 रुपए तक लेके गई, फिर गिर के स्टॉक आपको 80 रुपए पे मिला, 400 रुपए का शेयर 80 रुपए पे, फिर दोबारा तेजी बनी, इस बार स्टॉक दोबारा से 400 रुपए के पास ही पहुंचा एग्जैक्टली एंड फिर गिरावट स्टार्ट एंड इस बार 200 रुपए का लो लगा। सॉरी गाइस, 200 रुपए के लो लगाने का स्टॉक में फिर तेजी एंड 2014 में स्टॉक का प्राइस हो गया बढ़कर 600 रुपए एंड इस बार फिर करेक्शन आई और करेक्शन में स्टॉक ने 321 रुपीज के लो लगाए एंड फिर भागा स्टॉक इस बार तो भाई बड़ी तेजी बन गई स्टॉक में, 1200 रुपए तक भागा स्टॉक 350 रुपए से एंड फिर गिरा कोविड के टाइम एंड स्टॉक 400 रुपए पे आया एंड 400 रुपए से 1650 रुपए एंड 1650 अभी 882, यानी कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5, 2002 से लेकर 2022 में 5 बार स्टॉक यूं फिर यूं एंड फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं हो चुका है, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक हर बार अपने पास्ट के हाई को ब्रेक करता है एंड पास्ट के लो को नहीं ब्रेक करता है। अब पास्ट का लो तो खैर बहुत ही ज्यादा दूर है, 400 रुपए पे, यहां से भी आधा है, क्या उस तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई, बिल्कुल 500 रुपए 600 रुपए का स्टॉक हो जाए तो कोई इसमें मुझे डर वाली बात नहीं है। लेकिन ये स्टॉक दोबारा जब भागेगा तो इस बार 1700 नहीं, इस बार 2000 का होगा। तो ये स्टॉक अगर मैं इतनी उठापटक के बाद अभी के टाइम से कंपेयर करूं तो 4680% के रिटर्न है। देखिए, स्टॉक कितना भी ऊपर नीचे करे मार्केट में तभी डिवाइड होते हैं हाई बीटा लो बीटा, स्टॉक आपको रिटर्न अच्छे खासे बनाकर दे रहा है। अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं भाई स्टॉक का कैसा क्या हिसाब किताब है। तो चलिए, मैं डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे आ गया हूं एंड फाइनेंशियल्स शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ बिरला कॉरपोरेशन के
लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 16% की काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल 11.5% का अच्छा है। वैल्यूएशन चेक करते हैं, पीई 11 के पीई पे मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.36 टाइम्स पे मिल रहा है, तो बहुत ही सस्ता हो गया है भाई। डेट 1 से नीचे है तो अच्छी बात है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 63% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIIs 4.16% होल्ड करते हैं, DII म्यूचुअल फंड 16.29% होल्ड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर 16.65% होल्ड करते हैं, तो चलिए अच्छी बात है। अब सेकंड स्टॉक का नाम दूं मैं आप सभी के सामने, तो वो भी इसी सेक्टर से है, यानी सीमेंट सेक्टर से है, और इस स्टॉक पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, तब भी स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे था, एंड स्टॉक का नाम है जेके सीमेंट। अब जेके सीमेंट की बात करें तो 2086 के लेवल्स पे आ चुका है, 52 वीक हाई स्टॉक का 3838 का, यानी 3838 का 52 वीक हाई है स्टॉक का, जो कि 52 वीक हाई भी है एंड ऑल टाइम हाई भी है। ऑल टाइम लो 31 रुपीज का है, 52 वीक लो 2072 का है, जो आज ही लगा है। सबसे पहले इस स्टॉक के एनालिस्ट में फाइनेंशियल ही शेयर कर ले रहा हूं आप सभी के साथ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 16,500 करोड़ का है, पैट 700 करोड़ का है, सेल 6,500 करोड़ की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18.5% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.83 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, एंड प्राइस टू इक्विटी यानी पीई 32 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेट 1 के ऊपर है, बट स्लाइटली ऊपर है, ठीक ही बोल सकते हैं। प्रमोटर शेयर होल्ड करते हैं 45.82%, FII 16.47%, DII म्यूचुअल फंड 20.61%, रिटेल इन्वेस्टर 17.10%। अब मैं जेके सीमेंट का भी आप सभी के साथ चार्ट शेयर करने जा रहा हूं कि कैसा है चार्ट जेके सीमेंट का, तो चलिए इस पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि भाई जेके सीमेंट में जो ये गिरावट है, क्या ये खरीदने का मौका है या फिर निकलने का ही सोचना चाहिए स्टॉक में इतनी बड़ी करेक्शन के बाद। तो ये स्टॉक लंबे समय में कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर कंसोलिडेट, लेकिन स्टॉक में आपको 2020 यानी कोविड के लो यानी 900 रुपए से जो आपको तेजी है वो बहुत बड़ी आती हुई दिखी थी, 4000 का शेयर हो गया था। मुझे लगता है ये करेक्शन इसके लिए एक नॉर्मल करेक्शन है, एंड आपको ये स्टॉक करेक्शन में जो गिर रहा है स्टॉक, अगर आपको 1700 से 1800 रुपए के बीच में आए तो वहां आपको खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए, अभी नहीं। ये स्टॉक की करेक्शन चल रही है, एंड जो कि मुझे लगता है थोड़ी और बढ़ सकती है अभी, क्योंकि स्टॉक में वन साइडेड तेजी काफी बड़ी बनी है, तो इसके लिए स्टॉक गिर सकता है। लेकिन बिरला कॉर्प यहां से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। याद रखिए दोनों स्टॉक हाई बीटा है, दोनों स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में, आपको लंबे समय का नजरिया रख के ही कोई एंट्री लेनी है। तो ये मेरी वीडियो बिरला कॉर्पोरेशन एंड जेके सीमेंट पे, पर्सनली कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करा है मैंने, दोनों शेयर आपके साथ शेयर करे हैं मैंने जो अच्छे करेक्ट है, एंड उसके बाद आपकी चॉइस है आप इसमें बाय करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में बिरला कॉर्प अभी या थोड़ी और गिरावट के बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे करके, आपका वहां से मिनिमम 1100 रुपए के लक्ष्य आ सकते हैं, एंड जेके सीमेंट थोड़ा और करेक्ट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।